स्वागत है बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिक्वेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद और आशा करते हैं कि आप सभी घर पर होंगे और अच्छे होंगे। आज की बच्चों जो इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है उससे आपको रूबरू कराएंगे, तो वो है क्या, वो चीज़ जान लेते हैं। बच्चों आपके जो एग्ज़ाम्स होने थे मई में 15 मई से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले बच्चे के लिए एनुअल मोड और सेमेस्टर मोड। फिलहाल तो हम जो बात करेंगे बच्चों वो सेमेस्टर मोड की बात करेंगे। जो थर्ड ईयर में बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम्स जो होने थे, सबसे पहले वो रजिस्ट्रेशन करवा लें, उनकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कल की है। दूसरी चीज़, उनके जो एग्ज़ाम्स होने थे बच्चों वो पोस्टपोन हो गए हैं। अब वो पोस्टपोन कितने दिनों के लिए हुए हैं तो उनकी बातों पर हम कब होंगे वह सभी चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए बच्चों। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। ड्यू की जो परीक्षाएं हैं बच्चों वो रद्द कर दी गई है, टाल दी गई है, यूं कहें कि 15 दिन के लिए वो टल गई है। अब वो एग्ज़ाम्स होंगे कब बच्चों? जब एग्ज़ाम भी तो होंगे, जब टली है तो एग्ज़ाम्स भी होने हैं। तो एग्ज़ाम्स होंगे कब बच्चों? आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो होंगे 1 जून से। तो 1 जून से आपके एग्ज़ाम्स होंगे। और ऐसा कब हुआ और ये बातें कब बातें की गई, कहा जाता है बच्चों जब ये आज के ही न्यूज़पेपर में लेटेस्ट आई है न्यूज़, आप इंग्लिश चाहे हिंदी किसी का भी न्यूज़पेपर देख लीजिएगा, कोविड-19 की वजह से बच्चों, कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पर जो ड्यू की जो परीक्षाएं हैं वो टली है 15 दिन के लिए और वह परीक्षाएं अब होगी 1 जून को। कहा जाता है ड्यू में कोविड-19 की वजह से कई ऐसे शिक्षार्थी, प्रोफेसर और जितने भी कार्यरत जो हैं स्टाफ्स वह भी प्रभावित हुए हैं, साथ ही साथ बच्चे भी प्रभावित हुए हैं। तो इसीलिए वहां के डीन ने वहां के लिए जो परीक्षाओं को रद्द करना उचित समझा, उन्होंने सभी विभागों के प्रोफेसर से एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने इसके ऊपर विचार विमर्श किया। और विचार विमर्श में उन्होंने यह चीज़ें बताई कि जितने भी बच्चे हैं परीक्षाएं की तैयारी करते रहें, क्योंकि प्रभावित आपकी जो परीक्षाएं हैं वो टली हैं, रद्द नहीं हुई है, तो हमें पढ़ाई करते रहने चाहिए। तो कहा भी गया है बच्चों जो वीवी के जो डीन थे और विवादाच्छकों की सलाह पर लिया गया था ये फैसला। और ड्यू के फाइनल ईयर के छात्रों की 15 और 18 मई को होनी थी परीक्षाएँ, तो ये होनी थी लेकिन बट वो होगी 1 जून से बच्चों। तो सारे जितने भी जो एक्सपर्ट हैं सभी ने इस परीक्षा जो आपका ओपन बुक होना था उसके लिए ही अब ड्यू की ओपन बुक परीक्षाओं का नया शेड्यूल तैयार किया जाएगा। इस संबंध में सोमवार को नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। और बता दें ड्यू में जो 18 मई को ओपन बुक परीक्षाओं को करीब 2.25 लाख छात्र शामिल होना था। इंटेक आई और आम आदमी शिक्षक संगठन परीक्षाओं को कोविड महामारी के बिगड़ते हालातों ने ना करवाने की मांग कही। तो कम से कम तकरीबन 2 लाख बच्चों के जो एग्ज़ाम्स थे बच्चों वो होने थे वो है एकदम से स्थगित कर दिए गए। तो जो इंटेक के अध्यक्ष हैं, इंटेक्स के जो अध्यक्ष हैं अश्वनी शंकर ने ड्यू प्रशासन द्वारा परीक्षाओं को आगे बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने बोला, उनको एक्सेप्ट किया कि ये जो परीक्षाएं हैं आगे ही होनी चाहिए, इससे सभी का भला है। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी अपनी तैयारी करते रहें, पेपर होंगे ही, देर सही लेकिन होने ज़रूर हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, हम दोबारा से मिलेंगे इसी तरीके से, और तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें। जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है उनकी श्रद्धा है वो कर सकते हैं, और लाइक कमेंट करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू सो मच।